लीजिए सर। प्यारे भाइयों और बहनों, मोटू पतलू और इनके दोस्त झटका घसीटाराम ने टीवी प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया है। ये लोग हमारे मनोरंजन के लिए अच्छे अच्छे मजेदार प्रोग्राम बनाएंगे और हमारे लोकल केबल में दिखाएंगे। इनके प्रोग्राम सब हिट होंगे और क्यों ना हो, इनके साथ मेरे जैसा महान एक्टर जो है, मैं इनके हर प्रोग्राम में हीरो बनूंगा। ओए सब लोग साइड हट जाओ, मुझसे अच्छा एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। ये देखो मेरी एक्टिंग का नमूना, तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता मिलोड। ओए अरे हम भी किसी से कम नहीं, ये देखो मेरी एक्टिंग। भैया खाओ गर्मा गर्म समोसा, लेकिन याद रखना आज नगद कल उधार, याद रखना मेरे यार। भैया आओ ऐश करो लेकिन साथ में कैश करो। अरे माँ मोटू, मेरा एक्टिंग सबसे अच्छा था कि नहीं? घबरो मत, सच सच बोलो 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 बोलो। एक मिनट। ओए मोटू पतलू, चिंगम से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ ये बोलो कि मेरी एक्टिंग सबसे अच्छी थी कि नहीं। अरे ना ना, मेरी एक्टिंग सबसे अच्छी थी है कि नहीं है? ओए चुप कर और जा, चाय बेच। अरे तुम चुप करो और बॉक्सिंग करो, जाओ। ओके तुम दोनों जाओ और मैं एक्टिंग करूंगा। मेरे ये दोनों 5 किलो के हाथों से तुम दोनों के 5 किलो के सर को ठोक डालूंगा। बड़ी मुसीबत है, बॉक्सर को हीरो नहीं बनाया तो मार खानी पड़ेगी, चिंगम को नहीं बनाया तो जेल में डाल देगा, और चाय वाले को नहीं बनाया तो समोसे नहीं देगा, करे तो क्या करे। बुड़ी बाबा इसे कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और नीचे दाल दाल। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम कुछ सोचो। आइडिया, हमारे प्रोग्राम का नाम होगा बुरा ना मानो मस्ती है। अरे हम छुप छुप के सबके मजेदार सीन शूट करेंगे और उन्हें नहीं बताएंगे कि हम उनकी शूटिंग कर रहे हैं, और फिर अपने लोकल टीवी में दिखाएंगे। इसे कहते हैं हींग लागे ना फिटकरी, रंग भी चोखा का चोखा, और किसी को शूटिंग का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ओए मोटू पतलू मेरे यार, तुम दोनों एक टीम बनाओ, मैं और घसीटा राम दूसरी टीम, हम अलग अलग लोगों पे शूट करेंगे। ओके अब कुछ मजेदार सीन हो जाए। मुझे चूहों से डर लगता है। मम्मी अरे क्यों मेरे पीछे पड़ा है? ओए हट नहीं नहीं ओए ऐसा नहीं कर सकते तुम, मुझे बचाओ। चुप रहो, बॉक्सर ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे बॉक्सर सुनेगा कैसे, वो तो अंदर है, उसमें बाहर आने की हिम्मत ही कहाँ है। मैं बाहर हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं रहोगे, इसलिए क्यों वार करता है? ऑर्डर लिखो। चलो मोटू, चिंगम सर का ऑर्डर है।
चिंगम सर, ये रहा आपका पिज़्ज़ा। वो मोटू पतलू, 10 मिनट में आ गए। बिफोर टाइम। अया माँ, ये पिज़्ज़ा है या रवा मसाला डोसा? मोटू पतलू, कितने पिज़्ज़ा डिलीवर किए? सर, बहुत सप्लाई किया। बड़े बड़े ऑर्डर की डिलीवरी थी। क्या? लॉक खाली? पैसे कहाँ हैं? सॉरी सर, हम बार बार 20 मिनट से लेट हो गए। पिज्जा तो खूब बिके लेकिन पैसे नहीं मिले। मोटू पतलू, मैं यहाँ चैरिटी करने नहीं आया। ये सब पैसे मैं तुमसे वसूल करूँगा। गेट आउट। सर प्लीज, हमें एक मौका और दीजिए। अब प्लीज सर, प्लीज प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए। हम जी जान लगा कर काम करेंगे। ओके ओके, लास्ट चांस देता हूँ। थैंक यू सर। हेलो, झटका सर, सुनिए। ये लो मोटू पतलू, ये है ड्रोन। इसके नीचे पिज्जा बॉक्स बांध दो और इसमें एड्रेस फीड कर दो। ये उसी एड्रेस पे जाके लैंड करेगा यार। ना टायर पंक्चर होने का डर और ना ट्रैफिक जाम का खतरा। 5 मिनट में 100 किलोमीटर दूर तक डिलीवरी कर सकता है यार। बहुत थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। अब देखना ये है सर कि हर डिलीवरी टाइम पे हो। हाँ ओके ओके सर, बिफोर टाइम पहुंच जाएगा सर। थैंक यू सर। मोटू पतलू, ये बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। पूरे 10,000 का ऑर्डर है। पूरी पार्टी के लिए पिज्जा चाहिए। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो देखना। सर सर, अब देखना मेरे दोस्त के ड्रोन का कमाल। एक बार नीचे उतार दो, फिर बताता हूँ तुम्हारा क्या काम है। मोटू पतलू, बस एक बार हाथ आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा पिज्जा कैसे बनाता हूँ। बड़े भैया कुछ करो। ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे यारी, रो मत। ये लो पर्सनैलिटी चेंज गन। अरे आओ आओ मोटू पतलू, आओ यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ। मुझे यकीन था तुम वापस आओगे। पतलू, अब पर्सनैलिटी चेंज गन की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मोटू पतलू, स्माइल प्लीज। मोटू पतलू कहाँ गए? अरे वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं उन्हें जिंदगी भर समोसे खिलाऊंगा। निकला चड्डी पहन के। मोटू पतलू, अब मैं तुम्हें अपने सिलेक्टेड सॉन्ग सुनाऊंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। इस गन ने तो बॉक्सर की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज कर दी। ये ऐसा ही रहे तो अच्छा है। मैं निकला तीन चार गड्ढे लेके रास्ते पे। ओए एक और आया। बॉक्सर भैया गाना बंद करो, चाहे तो हमें मारते रहो। अरे बस करो, और बर्दाश्त नहीं होता। बा, बा, बा।
ऊपर वाला जब भी देता है जब पर पाड़ के देता है, दो दो शिकार बेच दिए। जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, दो 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 दो। मोटू तुमने इसकी पर्सनालिटी भी चेंज कर दी। चिंगम सर हमारे पास खाली जेब, खाली पेट और ढेर सारी भूख है, जो चाहिए ले लो। हमको उल्लू बनाता है। लीजिए घूमते हो, शर्म नहीं आती? दोस्तों हम इतनी अच्छी फोटो खींचते हैं कि बादशाह अकबर, अनारकली, सांता क्लॉस तक हमारे फैन हैं। अय्या माँ ये कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर तुम्हें कैसे जानते हैं? कैसे 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 कैसे? ये देखो बादशाह अकबर की फोटो। एक बार उनके सिपाही का मैसेज आया कि बादशाह अकबर हमसे फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर झटका के टाइम मशीन में बैठ के गए और उनकी तस्वीर खींची। क्यों पतलू? हाँ, अब ये लो सब मिठाई खाओ। ये देखिए हम अक्कू की फोटो खींच के आ रहे थे, टाइम मशीन में बैठे थे। ये देखिए बादशाह अकबर की फोटो। उड़े बाबा, ये अक्कू कौन है? अरे बादशाह अकबर का घर का नाम है अक्कू। वो हमसे जिद करने लगे कि हम उन्हें अक्कू कह के ही बुलाए। अच्छा तो मैं कहाँ था? जहाँ थे वहीं रहो और आगे मत बढ़ो। ये देखिए अनारकली की फोटो। हम टाइम मशीन में बैठे ही थे कि सलीम अनारकली को लेकर आ गया और कहने लगा कि भैया इनकी फोटो खींच दो, पता नहीं आप जैसे फोटोग्राफर फिर मिलेंगे या नहीं। हमने ये तस्वीर खींची और फिर टाइम मशीन में बैठे ही थे कि सांता क्लॉस आ गए और तुमने वो तस्वीर खींची है ना? हाँ बड़े भैया, वो किस्सा तो बहुत ही मजेदार है। हुआ क्या कि पतलू मिठाई खत्म हो गई कि बाकी है? खत्म हो गई। तो फिर हम शुरू हो जाएं दोस्तों? हाँ हाँ शुरू हो जाओ, बहुत देर से ही हमें उल्लू बना रहा है। छोड़ना नहीं इन दोनों को। अरे चाचा किधर है भैया? इधर आ। अरे रुक। हमें बेवकूफ समझा है? इतनी देर से कहानी किससे सुना रहे हो? अपनी फोटो दिखा के अकबर की फोटो बता रहे हो? तुमने तो बहुत बुरी तरह पिटवा दिया। अरे अपनी जुबान पे लगाम नहीं दे सकते क्या? बॉक्सर भैया अब आप वहीं खड़े रहो, ऐसी फोटो खींचूंगा कि आप भी याद रखोगे। एक बार बादशाह अकबर ने चुप करो वरना यहाँ बीमार पड़ेगी। ओके ओके लाइट्स और करीब लाओ, और करीब और करीब और करीब और करीब और थोड़ा और थोड़ा और ओए जल्दी खींचो फोटो। लाइट्स और करीब। ओए और कितना करीब? मेरे गाल तो जल रहे हैं, और क्या क्या जलाना है? मोटू कैमरा कहाँ है? जल्दी शूट करो, देखो कितना सुंदर नजारा है। कैमरा तो नीचे ही रह गया। अरे कैसे कैमरामैन हो? चलो एक बार फिर यहाँ आती है, ये तस्वीर खींच ली तो इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेकर फर्स्ट प्राइज ले सकती है। चलो नीचे। मेरी कमाई। मोटू मैंने कैमरा पकड़ लिया है, तुम लाइट पकड़ो जल्दी। ओए मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। हाँ।
सॉरी, देख नहीं पाया। मोटू पतलू उन्हें पकड़ो, वो भागने ना पाए। मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हें यहाँ से निकाले ताकि तुम भाग जाओ। मोटू पतलू इतने बेवकूफ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? चिंगम सर, आप लॉकअप में क्यों है? पतलू चिंगम मैं हूँ, वो एक खतरनाक अपराधी है। मेरे चेहरे का मास्क लगा के पुरपुरी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे लॉकअप में डाल के उसके चेहरे का मास्क लगा दिया है। उसके दोस्तों को पकड़ के पुरपुरी नगर को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम दोनों इसके चेहरे का ये मास्क निकाल के असली चेहरा देखो। इट्स एन ऑर्डर। बाय बाय टाटा, सी यू। ओके सर, बाय बाय टाटा, सी यू। इसकी मुझे तो असली है, निकलती ही नहीं। मैं भी असली हूँ, वो तुम्हें उल्लू बना गया। कानून की कसम, भारत माता की कसम, उसे नहीं छोड़ूंगा। पतलू, हमें जल्दी से उस अपराधी को ढूंढना होगा। अरे ढूंढ ही तो रहे हैं, लेकिन वो दिखे तो सही। अरे वो कौन है? कैसे छुप छुप के अपराधियों की तरह होटल की तरफ देख रहा है? लगता है वही हमारा अपराधी है, बच के जाने ना पाए। जल्दी चलो, डॉक्टर झाटकन एक गर्म गर्म समोसे बनाए हैं, वो भी बड़ा बड़ा साइज का समोसा है। अरे दुकान बंद हो गई है, सब सामान खत्म हो गया है। मैं घर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है भैया, जाने दो। हाँ हाँ, अरे भैया जरूरी काम है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जल्दी चलो, डॉक्टर झाटका तुम्हें बुला रहे हैं। ए मोटू, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें अभी डॉक्टर झाटका के पास चलना है। सब मुझे डॉक्टर झाटका के पास क्यों ले जाना चाहते हैं? जरूर वो मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इट्स एन ऑर्डर, तुम्हें चलना ही होगा। चलो 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 चलो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरा 20 साल का तजुर्बा काम नहीं आया। मेरी हड्डी पसली सब कच्चूमर हो गई है। मैं उसे लेकर ही आऊंगा। डॉक्टर झटका, आप इंजेक्शन तैयार रखो। चाल डाल के ले चलो, मजा आ रहा था। अब ये लगातार यही करवाता रहेगा। चलो जल्दी चलना पतलू, एक बार और प्लीज। अब आया ना मेरे शिकंजे में। चिंगम के
चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। एक मिनट, ये काम कर जाएगा। और तुम सब बाहर जाओ, अब ये मेरा शिकार है। हाँ, देखो यार, जब तक ये सारे इंजेक्शंस इसको बार बार लगातार नहीं लगाएंगे, तब तक इसकी रिपीटो बीमारी ठीक नहीं होगी। है मोटू, मेरे पाए, मेरे पड़े प्राण। रुक जा यार, बीमारी तुझे है, मुझे नहीं। यार मार छुट्टिया, एक और है। ये हो क्या रहा है मोटू, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। अरे बीमार तुम हो, वो नहीं। बार बार इंजेक्शन लगाने में बहुत मजा आ रहा है, आओ मैं तुम लोगों को भी लगाता हूँ। क्या ये सच है? हाँ बॉस, एकदम सच। पतलू के पास ऐसा एंटीना है, वो जहाँ जाता है वहाँ का टीवी ऑन हो जाता है। मेरे शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया आया है। अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। हम पतलू से वो एंटीना छीन के घर घर जाकर अपने सर्विसेज बेचेंगे। जो पैसे देगा उसके घर जाकर उसका टीवी ऑन कर देंगे। पतलू, तुम सैटेलाइट में जाके देश की सेवा करोगे। मिस्टर अय्यर से पूछो, हम दोनों ही उस सैटेलाइट के इंचार्ज हैं। हाँ पतलू, मिस्टर सुब्रमण्यम ठीक कह रहे हैं। तुम ऊपर सैटेलाइट पे जाके पूरे देश का टीवी ऑन कर सकोगे। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं देख सकता। पतलू, तुम्हें ऊपर सैटेलाइट पे जाना ही होगा। खुद नहीं जाओगे तो गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, मैं अकेले सैटेलाइट में जाके खड़ा नहीं रहूंगा, हर किस नहीं। मोटू कुछ करो। अरे करना क्या है, भागो। पतलू एंटीना निकल गया और जॉन के सिर पे आ गया। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब मैं सबके घर के टीवी करूंगा ऑन, उसके पैसे लूंगा, पर आवर चार्ज करूंगा। डॉक्टर झटका, जॉन सबके टीवी ऑन करना चाहता है और सबकी सेवा करना चाहता है। ओ, क्या ये सच है जॉन? है? हाँ, एकदम 16 आने सच। जॉन चाहता है कि सब लोग टीवी पे अपने मनपसंद प्रोग्राम्स देखें और मैं होम टू होम सर्विस दूंगा। आप महान हो, आप जैसा कोई नहीं। होम टू होम जाने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो?
झटका का ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। अरे वो देखो चिंगम सर आ रहे हैं, अब उनकी शूटिंग करते हैं। मोटू तैयार। अयो माँ, ये सड़क पे इतनी बड़ी चट्टान कहाँ से आ गई? इसे हटाना होगा वरना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। अयो माँ, ये कैसी चट्टान है जिसको मैं टच ही नहीं कर पा रहा? मैं चट्टान का भूत हूँ और तुम चट्टान के भूत को छू नहीं सकते। अयो माँ, चट्टान पहली बार दिखा है। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, मैं आपके रास्ते में आया। अब तुम जा नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ चट्टान बनना होगा। नहीं, दूर रहो दूर रहो। सर चट्टान जी मुझे छोड़ दो, मुझे चट्टान नहीं बनना है। अम्मा, अरे इंस्पेक्टर होके इतना डरता है? ये फुरफुरी नगर के चोरों से हमें कैसे बचाएगा? मैं बताता हूँ फुरफुरी नगर को कैसे बचाऊंगा। ये लो कुंफू कराटे, ये जूडो, चाहिए बोलो। नहीं नहीं चिंगम सर, बस बहुत हो गया। चलो चाय पीते हैं। भूत लोग चाय नहीं पीते, चुपचाप चलो यहाँ से। मुझे समोसे खाने हैं। मुझे याद है जब मैं इंसान था तो इस चाय वाले के समोसे खाता था। चुप करो, यहाँ भी मार पड़ेगी। अरे तुम दोनों मुझे डरा रहे हो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ठहरो। सुनो भैया, वो तो हम तुमसे मजाक कर रहे थे। बैठ के आराम से बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? ओह थैंक यू, पहली बार तुमने इतने प्यार से अपनी दुकान में हमें बिठाया है। पहले कुछ समोसे खिला दो, फिर बताता हूँ। अरे भैया, समोसे भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, कुछ देर बैठो तो। हैं? भैया तुम्हारा कुछ सामान जल रहा है। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा कुछ सामान जल रहा है। हाँ। दोस्तों, अभी हमारा प्रोग्राम आने वाला है और हमारे शो का नाम है बुरा ना मानो मस्ती है। हमने इसमें आप सबको हीरो बना दिया है। और शूटिंग कब की तुमने? ओ यार, हमने दो ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में मोटू पतलू आप सबकी शूटिंग कर रहे थे और दूसरे ग्रुप में मैं और घसीटा राम बाग की शूटिंग कर रहे थे। है? आज के कैंप का मकसद है आप लोगों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देना, ताकि अचानक कहीं आग लग जाए तो आप लोग आग बुझा सकें और जान माल के नुकसान से लोगों को बचा सके। अब देखिए इस आग को फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे बुझाते हैं। ये देखिए, इस तरह इसे खोलते हैं और ये बटन दबाते हैं तो इसके अंदर से फोम निकलता है और आग बुझ जाती है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। Ha ha ha!
अरे क्या कर रहे हो? आग यहाँ नहीं लगी है। अरे तू रोको इसे। सॉरी, मेरा हाथ अपने आप ही घूम गया। सॉरी सर, वेरी सॉरी। अब मैं आपको बताऊंगा पानी के टैंकर से पाइप निकाल के आग बुझाने का तरीका। हमें ये मालूम है सर, हम पहले कई बार पानी के टैंकर का इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, दिखाओ। नीचे करो, मुझे नीचे करो। तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पानी बंद करो, जल्दी पानी बंद करो। पानी ऑन करो, पानी ऑन करो। बचाओ, कोई इन दोनों को भगाओ और मुझे बचाओ। मोटू पतलू, तुम दोनों साइड में हो जाओ। अब टीम लीडर को तंग मत करो, बस। अब देखिए, सेफ्टी नेट ऐसे पकड़ा जाता है जैसे नीचे लोगों ने पकड़ा हुआ है। कौन कौन सेफ्टी नेट पकड़ने की प्रैक्टिस करना चाहता है, बताइए। हम पकड़ेंगे। ओके, इसे कस के पकड़ना और देखना मैं कैसे जंप मारता हूँ। एक मिनट। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? सेफ्टी नेट क्यों छोड़ दिया? मैं ये पूछना चाहता था कि ये सेफ्टी नेट मजबूत तो है ना? मजबूत नहीं होता तो मैं कूदता क्या? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, वरना ट्रेनिंग बंद। जाओ। ओ मोटू मेरे यार, मेरे पास तुम चले जाओ, दूर से देखो वरना ये ट्रेनिंग बंद कर देगा यार। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ पतलू, लेकिन सीखने का मन तो मेरा है। चलो टैंकर के अंदर से छुप के देखते हैं कि वो क्या सिखा रहा है। ये देखिए, इस सीढ़ी को बहुत ऊंचा किया जा सकता है ताकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग से लोगों को बचाया जा सके। अरे दिख नहीं रहा कि वो क्या बता रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे रोक तो इसे! अरे क्या कर रहा है ये? अरे अंदर कौन है? बचाओ! लगता है फिर कुछ हो गया। नीचे उतारो! जान प्यारी है तो भागो! सुनिए, मैं डॉन की फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। डॉन, डॉन, जिसकी तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। प्लीज प्लीज कहीं और जाइए, वरना यहाँ पुलिस आ जाएगी। उफ, मैं उस डॉन की बात नहीं कर रही, मैं इस डॉन की बात कर रही हूँ। मेरे डॉग का नाम डॉन है। ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, मैं इसे एक्टर बनाना चाहती हूँ। अरे ये डॉगी और एक्टर, कहीं डॉगी भी एक्टिंग करते हैं क्या? काट क्यों रहा है? मेरे डॉग के ऊपर हंसे तो अच्छा नहीं होगा। इसे गुस्सा आ गया तो इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। चलो इसकी फोटो खींचो। ओके डॉन भाई, अब यहाँ चुपचाप बैठे रहना।
और डॉन भाई, जब मैं कहूँ स्माइल तो स्माइल करना, ओके? डॉन प्लीज रुक जाओ। आउच मैडम, इसने हमें काटा क्यों? इसे भाई कभी मत कहना, इसका भाई इसे बहुत तंग करता है, इसीलिए ये भाई नाम से ही भड़कता है। चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो जल्दी। अरे सॉरी तो बोल दे, लेकिन डॉन है कहाँ? तुम्हारे पीछे है। बचो! अरे इतने छोटे से डोगी से डर के भाग रहे हो मोटू? डॉन, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बड़ी पिटाई करूंगा, चलो भागो यहाँ से। तुम्हारी मालकिन के सामने हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मैं छोटा सा डंडा सा बच्चा हूँ, वो दोनों मुझे डंडे से मार रहे हैं। साथियों आओ इन दोनों को बताते हैं कि हमारे बच्चों को मारने का क्या अंजाम होता है। ये तो बड़ा एक्टर निकला। Thank you.